हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। आज पार्ट 1 करेंगे हम। ये जो चैप्टर है इसको भी हम 2 या 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो पार्ट 1 है उसमें हम 10 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेंगे और बाकी जो पार्ट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंडिया में कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बन गई है या पहली स्टेट है जिसने जो रूफटॉप होता है, रूफटॉप रेन वाटर मतलब जो बारिश गिरती है और उस पानी को जो है इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो स्ट्रक्चर है वो हर घर में जो है वो कंपलसरी कर दिया है। ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द लास्ट वन इज वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। और ये जो क्वेश्चन है वो KVSPRT का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो तमिलनाडु जो है, इट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। और ऐसा नहीं करने पर जो है वो लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं कि उनको पनिश करने के लिए डिफॉल्टर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज। इंडिया में फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है या मेजर सोर्स कौन सा है? ऑप्शन है ग्राउंड वाटर, रिवर, ग्लेशियर्स या फिर ओशंस। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर जैसे जो है सबसे ज्यादा वैसे जो पार्ट है वो ग्राउंड वाटर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सा पानी की एक कमी का कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो क्या ये एक पानी की कम होने का कारण है? बिल्कुल है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी उनकी डिमांड्स होगी, चाहे वो फूड के लेके हो या फूड प्रोडक्शन को लेके हो, लाइवलीहुड हो, तो उन सबके लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, तो वाटर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो ये एक वाटर स्कार्सिटी का कारण है। नेक्स्ट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक है कि कुछ जगहों पर वाटर रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा प्लेंटी रिसोर्सेज हैं, और कुछ जगह पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्व, इज इट द कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी? नहीं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी को रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वन भी हम देख लेते हैं, वाटर पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो अनट्रीटेड वाटर जो पानी में छोड़ते हैं उसकी वजह से पानी पॉल्यूट होता है, तो एक तरह से जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो खराब होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर स्कार्सिटी का ये भी एक कारण है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है, दैट इट इज नॉट द कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम है वो कौन सी राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, राजस्थान में है, और कौन सी रिवर के ऊपर है, दैट इज चंबल रिवर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो राणा प्रताप सागर डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ, तो चंबल रिवर है। ठीक है, कहाँ पे है ये? ये है रावत भाटा, राजस्थान के रावत भाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, भाखड़ा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यमुना, सतलुज, चेनाब या फिर रावी। तो सही आंसर है, सबको इसका आंसर पता है, सतलुज रिवर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्चुअली सतलुज और ब्यास का जो जहां पे मिलती है या जहां पे बेसिन बनता है वहां पे जो है ये भाखड़ा डैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो ऑप्शन में सतलुज ब्यास दोनों ही जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्यों? ऑप्शंस देखते हैं, इट इज बीइंग रिसाइकल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, या फिर इट इज रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नेक्स्ट इज इट इज बीइंग रिन्यूड थ्रू रिडक्शन एंड द लास्ट इज वन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल से ये रिचार्ज कैसे होता है अगर उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। हमारी जो अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ये ओशियंस है, ओशियंस से क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है
और क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है। क्लाउड से क्या होती है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम एटमोसफियर, मतलब एटमोसफियर से पानी का गिरना किसी भी रूप में, फिर चाहे वो रेन हो सकती है या फिर स्नो हो सकती है, ठीक है, या फिर हेलस्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, ओले, वो भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में पानी गिरे, चाहे सॉलिड फॉर्म में गिरे चाहे वो लिक्विड फॉर्म में गिरे, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो ओशियन से पानी इवेपोरेट हुआ, क्लाउड्स बने, क्लाउड से प्रेसिपिटेट हुआ, मतलब वाटर एक साइकिल बना रहा है, पहले वो ऊपर गया सॉलिड फॉर्म में, फिर वो जो है प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे गिरा, और फिर क्या हुआ, रन ऑफ नदियों के थ्रू, नालों के थ्रू, जैसे भी वो पानी फिर से कहाँ पे मिल गया, जाके ओशियन में मिल गया, तो इट इज कॉल्ड, और फिर से दोबारा से क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा और वापिस जो है वो इसी साइकिल में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो पानी क्या हो रहा है, हर वक्त क्या हो रहा है, हर वक्त रिन्यू हो रहा है, तो दिस इज द प्रोसेस हाउ द वाटर गेट रिन्यूड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट्स इज और आर नॉट ए रेजिस्टेंट टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट से बहुत सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं, जैसे डैम्स हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, दीज आर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, कि इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करनी है और इरिगेशन भी करनी है, ठीक है, लोगों को पानी भी जो है उनके लाइवलीहुड के लिए जो है उनको प्रोवाइड करवाना है, तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से जो भी आंदोलन है या मूवमेंट्स है, कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिल्कुल ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम बनाया गया है उसके विरोध में जो है ये मूवमेंट जो है वो चलाई गई थी, तो वो जो डैम है वो मल्टीपर्पज है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और मूवमेंट इज किस लिए है, इज अगेंस्ट द, मतलब उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है टेहरी डैम आंदोलन, तो ये नाम से ही पता चल रहा है डैम मतलब मल्टीपर्पज, तो ये भी किसके लिए है, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या था, क्या ये डैम से रिलेटेड था, बिल्कुल नहीं, ये था फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इट इज अ सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट विच डज नॉट रिजिस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज, अब ये जो क्वेश्चन था ऊपर वाला देखने में इजी था, वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल घुमा के पूछा गया था, तो ऐसे जो है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सिंपल होते हैं पर उनको इस तरह से पूछा जाता है कि ये जो क्वेश्चन में नॉट इस तरह से दिया जाता है तो क्वेश्चन का जो है मीनिंग ही क्या होता है बदल जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डैम, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर नाम नहीं बताया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किस डैम से रिलेटेड है, किस डैम के अगेंस्ट या किस रिजिस्ट करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन है सरदार सरोवर डैम, टेहरी डैम, हीराकुंड डैम या फिर गांधी सागर डैम। सही आंसर है इसका सरदार सरोवर डैम, ठीक है, क्योंकि वहां बहुत सारे जो लोग रहते थे उस एरिया में उनको डिस्प्लेस किया गया, उसके अगेंस्ट जो है वो एनजीओस ने या सोशल एक्टिविस्ट ने जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो शुरू किया था। टेहरी डैम, अब थोड़े से ये बचे हैं तो इनको भी देख लेते हैं साथ साथ में, टेहरी डैम, हीराकुंड डैम और गांधी सागर डैम, ये कहाँ पे, नर्मदा सरोवर डैम कहाँ पे है, वो तो नर्मदा सॉरी सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, नर्मदा रिवर में, नर्मदा रिवर के ऊपर बना है। टेहरी डैम जो है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और ये किसके ऊपर बना है, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी कौन है, गंगा की ट्राइब्यूटरी है, कहाँ पे बना है ये, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहाँ पे, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम कहाँ पे है, किस नदी के ऊपर बना है, द ग्रेट महानदी, आपको पता होगा कि महानदी हमने डिस्कस किया है कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, और उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, तो ये कौन से स्टेट में है, महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है, कहाँ पे है, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, और कहाँ पे, उड़ीसा के सांबलपुर में। ये चीजें जो है वो एक्स्ट्रा हैं, आप जरूर इनको नोट डाउन करिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा डैम किस नदी पे बना है, किस स्टेट में है। आगे आता है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम कौन सी रिवर पे है, ये है चंबल रिवर के ऊपर, कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ पे, मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसकी फाउंडेशन किसने की थी, गांधी सागर डैम की फाउंडेशन किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कब की थी, 7 मार्च
7th of March 1954। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन हमारे बन गए। गांधी सागर डैम किसके ऊपर है, चंबल रिवर के ऊपर, मध्य प्रदेश में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। 7 मार्च 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, तो आप ये जो है वो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बोलने को हमारी वीडियो में 10 क्वेश्चन है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो 15 से 20 तक जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं उनको। नेक्स्ट इज द रिमोट विलेज दैट हैज अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर इज। कौन सा ऐसा विलेज है जिसको जो है जाना जाता है, जहां पे रेन वाटर जो है उसको उसकी हार्वेस्टिंग हम एक तरह से बोल सकते हैं, वहां पे सिस्टम जो है उसका बना हुआ है। ऑप्शन है कुक्ती, काजा, गेंदाथूर या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। कहां पे है गेंदाथूर? एक रिमोट विलेज है, बैकवर्ड विलेज है। कहां पे? मैसूरू। मैसूरू, ठीक है, मैसूरू कहां पे है? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में। यहां पे क्या है, लगभग हर घर में, लगभग वहां पे हर घर में जो है ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। कौन सा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो छत के ऊपर पानी गिरा है उसको पाइप्स के थ्रू कहां पे लेके जाना, एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया गया होता है, उसमें उसको स्टोर करना, रिस्टोर करके रखना, ताकि इन फ्यूचर जो है वो उसको पानी को यूज किया जा सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पहले पार्ट का क्वेश्चन है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता क्या है, पहले वो देखना है। क्या किया जाता है कि जो बैम्बूज हैं उनसे एक तरह से पाइप बनाई जाती हैं, और उनको मान लीजिए यहाँ पे जो है वो प्लांट्स लगाए गए हैं, प्लांटेशन की गई है, यहाँ पे किसी का घर है, ठीक है, या जो वाटर सोर्स है, ठीक है, तो बैम्बू के थ्रू जो है इस तरह से एक वाटर सिस्टम, एक पाइप लाइन की तरह बनाया जाएगा, और वहां पे जो है प्लांट्स के पास से उस पाइप को निकाला जाएगा। यहाँ से 15 टू 20 लीटर जो है पानी छोड़ा जाएगा, और वो पानी जो है स्पेसिस के थ्रू जाता है, और जो है ड्रिप्स के थ्रू, मतलब बूंद बूंद करके वो प्लांट्स की जड़ों में पानी को छोड़ता है। इससे क्या होता है, पानी जो है वो वेस्ट नहीं होता, वाटर कंजर्वेशन के लिए ये वाला सिस्टम यूज किया जाता है, और ये कोई 200 साल पुराना सिस्टम है, ठीक है, इसको टैपिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी आप कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग वाटर होता है, पेरेनियल स्प्रिंग को सुना होगा आपने, माउंटेन रीजन जो होता है वहां पे पेरेनियल मतलब जिनमें साल के हर टाइम पानी रहता है, पूरे साल पानी रहता है। माउंटेन्स में ऐसे बहुत से स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, कि माउंटेन में अचानक जो है कहीं से भी वो पानी निकलेगा, पेरेनियल मतलब साल के पूरे टाइम उसमें पानी होगा, तो वहां उन स्प्रिंग से जो है इस तरह से बैम्बू सिस्टम बनाया जाता है। तो ये कौन सी स्टेट में होता है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो सही आंसर है मेघालय। मेघालय में जो है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो अपनाया जाता है। तो ये थे 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी आगे होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करने का क्या फायदा होता है कि आप बोर भी नहीं होंगे और आपको चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को बनाने में, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।